हे फ्रेंड्स, वेलकम टू काय गेमिंग। तो फिर से पहुंच चुका हूँ इविल लैंस में। अभी चल रहा है 134 नंबर एपिसोड। तो इविल लैंस में मुझे, अबे लीडर ने बुलाया क्यों? किधर चल रहा है फाइट? अच्छा, चलो ये सामने ही है, इसीलिए हम लोग ने टेलीपोर्ट नहीं किया है। ये है फॉलन पैरासाइट, इसने मेरे ऊपर एसिड या कुछ पॉइजन फेंका है। तो देखते हैं क्या होता है। गया मेटल शूट एंड कुछ क्या मिला है, मेटल शूट बस। अबे मच्छर 842 और मुझे 100,000 रिवर्स चाहिए। लगातार मच्छर काट रहे हैं, इसीलिए बहुत ही कंसंट्रेशन ब्रेक हो जाता है। इसी वजह से पता है जो लोग मच्छर में खेलते हो रात को। अबे इतना खाली खाली क्यों है पता नहीं। इविल लैंस बहुत खाली खाली लग रहा है, कोई भी इविल्स आजू बाजू नहीं दिख रहे। हम लोग घुस रहे वही एक, चलो इसके अंदर घुसते हैं। ये देखो इस साइड पे दो इविल है, कुछ स्पाउन जैसे होंगे। आ रहा है बंदा, ये करप्ट स्पाउन। चलो इसको मार देते हैं, कुछ तो रिवॉर्ड मिलेगा इधर पे। 5000 का रिवॉर्ड खराब नहीं है, चलो अच्छा ही है। और सामने और एक बंदा है, इसके साथ भी लड़ पड़ता है, कुछ तो मिलेगा ही। ओके, तो अभी एरिया पूरा खाली है, तो मैं एक बार चलता हूँ अपने स्पेशल पावर में। यस, तो स्पेशल पावर में मुझे अभी अपना जो सॉरी स्पेशल है, स्पेशल पावर ये मैंने सिलेक्ट करके रखा है, इसको अपग्रेड करते हैं। ओके, अभी 4 स्टिक्स दिखा रहा है, तो डैमेज है 479% एंड कूल डाउन 20 सेकेंड्स। तो इसको करते हैं अपग्रेड। अपग्रेड के लिए मुझे 12,000 गोल्ड खर्चा करना पड़ेगा। करते अपग्रेड। तो अपग्रेड हो चुका है एंड नेक्स्ट अपग्रेड मुझे मिलेगा 22,000 प्लस गोल्ड से। अभी मेरा माइटी में देखो 5 स्टिक्स आ गया है और इसका पावर पहले से बढ़ चुका है। एंड फिर से मुझे जो लेवल है मेरा 40 करना ही है। मैंने माइटी का पावर बढ़ाया है, अभी इसको थोड़ा ट्राई करते हैं। यस, लाइट कैप मिला। फिर से इसने कुछ पॉइजन फेंका था मेरे ऊपर, फेंका नहीं था, पॉइजन थूका था मेरे ऊपर। अंदर अभी भी कुछ इविल्स है, ये आगे जाके ओ ये वही इविल्स है जो कि आग छोड़ते हैं। ओ बाप रे बाप, ओह पॉइजन पॉइजन पॉइजन। तो फिर से चलते हैं पीछे। पहले मेरा जो माइटी ब्लास्ट था उसका डैमेज था 479, अभी है 515 ऐसा कुछ। तो मैं किले से चलता हूँ बाहर।
अभी चलते हैं नदी के उस साइड, इधर पे कुछ एविल्स ऑलरेडी खड़े हैं मेरे इंतजार में। ओह ओह मच्छर मच्छर। जैसे ही लेवल 40 रीच हो जाता है कुछ एट्रीब्यूट्स पॉइंट्स मिलेंगे हमको, उससे कर लेंगे हम लोग अपने स्पीड को बढ़ाएंगे। एक बंदा आ रहा है, ये है करप्ट स्पाउंड। कुछ फायदा हुआ क्या पता नहीं माइटी बढ़ा के। 14 गोल्ड, ये है करप्ट स्पाउंड। मुझे लगता है माइटी थोड़ा स्पीड से अभी चार्ज हो रहा है। ओके, कोई भी गोल्ड नहीं मिला इतना सारा फाइट करके इधर पे। कुछ भी नहीं है, खाली है पूरा। फिर से बुलाया है किसी ने, तो चलो उसके पास चलते हैं। एनी हाउ लेवल 40 रीच करना है इसी एपिसोड में। एक इधर पे इविल या डेविल गार्ड ऐसा कुछ है। तो चलो इधर पे मुझे मिला सिल्वर एंड डेविल गार्ड मारा गया। तो ये लोग अभी करने क्या वाले हैं, अंदर जाएंगे क्या? मुझे लगता है ये लोग अंदर जा रहे हैं, तो चलो इसको फॉलो करते हैं क्योंकि अंदर बहुत सारा रिवॉर्ड मुझे मिल ही जाएगा। ये देखो अंदर एक ये आग छोड़ रहा है और ये खेल रहा है। ये है ऑर्क मर्क्यूरी, ऑलमोस्ट 7000 से ऊपर, 700 से ऊपर डैमेज पड़ रहा है। एंड ये लोग क्या बाहर फाइट कर रहे हैं? ओह बाप रे बाप। अभी इतने प्लेयर, इतने सारे प्लेयर एक साथ थे, हम लोग इजीली अंदर जा सकते थे, पर पता नहीं ये लोग अंदर नहीं जा रहे, क्यों नहीं जा रहे? एक बंदा आ रहा है मेरे पीछे। चलो चलते हैं अंदर। सबसे घटिया चीज़ है ये। ओ भाई, इसके पास भी मैजिकल पावर्स था, इसने मार दिया है, जो कि बहुत ही अच्छा बात है। ओ ये क्रिप्टिक नाइट था एक, इसको मैंने दिया है मार। बीच बीच में ये जो किस्सा है ना इविल लैंड्स में कि ये लेवल रीच करो वो लेवल रीच करो, ये थोड़ा मुझे लगता है बुरा। ये था रग नाइट्स, ये है इविल पैरासाइट। ब्रोंज इविल पैरासाइट, इसको तो मार ही देंगे, टेक ऑल। एंड पीछे कोई है क्या? नहीं, तो बस अभी ज्यादा बचा नहीं है। ये है खराब ट्रोल, पता नहीं। अभी मुझे भाग जाना चाहिए, नहीं तो लफड़ा बढ़ रहा है, लफड़ा बढ़ रहा है। देखो अभी भी मेरा पीछा कर रहा है, तो चलो छोड़ दिया है। ये जो केव है इसके अंदर मुझे बहुत सारा रिवॉर्ड मिलेगा, इसीलिए मैं इधर पे ही अभी तक फाइट कर रहा हूँ। अगर थोड़े प्लेयर अंदर आ जाते तो अच्छा होता। ये देखो इधर है,
21 गोल्ड। भाई उससे उलझो मत। और एक आ रहा है, ये है डेविल स्पाउंड, इसको तो मार ही देंगे। हेवी एक्स, इसके बाद करना है मुझे ट्रेड, क्योंकि ट्रेड से शायद कुछ गोल्ड वोल्ड मिल जाए। और एक आ रहा है, ये है डेविल स्पाउंड, गया। ये है इसको एनी हाउ मार देना है। ओके, लेदर हुड मिला मुझे इधर। एंड करते हैं फिर से, तो ये लोग बाहर जा रहा है क्या? इधर पे तो रास्ता नहीं है। और ये लोग बाहर जा रहा है लगता है। ओए भाई अभी भी था इधर पे एनिमिस। उफ इतना मच्छर है ना। अभी बस और 50,000 मुझे रिवॉर्ड चाहिए लेवल 40 रीच करने के लिए। इविल्स बहुत ही कम दिख रहे हैं इविल लैंप में एक दो दिन से। इधर पे कुछ इविल्स हैं पर अंदर होंगे शायद, केव के अंदर ही होंगे। हाँ केव के अंदर है इविल, और क्या बाहर भी है? एलिस डेमन केव के अंदर होगा। चलो बाहर निकलते हैं क्योंकि मुझे जल्दी जल्दी रिवर्ट चाहिए। ओए भाई 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 ओए भाई 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 भाई, पहले दूर निकलो इधर से। हाँ मुझे इधर पे बहुत सारे मिल जाएंगे। वन बाय वन थोड़ा प्लानिंग करके खेलते हैं। एक आ रहा है, कोई आ रहा है मेरे तरफ। ये आ चुका है एक क्रिप्टिक नाइट। एटीन गोल्ड, दैट्स कूल। इधर से करते हैं, पीछे से हमला करते हैं। बस और 50,000 ही चाहिए रिवर्ड्स। इधर से हमला करते हैं। भाई दो ही दो भी दो आ रहा है एक साथ। हाँ अभी माइटी और थोड़ा ज्यादा पावर के साथ काम कर रहा है। मोशा मच्छर। और 40,000 रिवॉर्ड्स चाहिए मुझे। ये राग नाइट, ओके चलो ये खत्म। एंड आगे इधर पे तो कुछ देखा था मैंने, पर वो शायद अंदर होगा। नहीं है, इतने ही थे सिर्फ। मुझे लगता है और भी इधर पे थे पर अभी दिख नहीं रहे। और ये नदी के उस पार मैं जाऊँ कैसे अभी? इधर से रास्ता दिख रहा है, चलो इधर से चलते हैं। या इधर से चलते हैं, अंदर मुझे कुछ ना कुछ तो मिल ही जाएगा। जल्दी से चलता हूँ। अच्छा मुझे अंदर जाना पड़ेगा, तो अंदर नहीं बाहर ही रहते हैं ये लोग।
ऑटोमेटिक आता जाएगा करप्ट स्पाउन। वो बाहर ही रहो, बाहर ही रहो। नहीं 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 ओ ओ ओ ओ मच्छर को देखू या इविल लैंस में खेलू और सिर्फ 40,000 नहीं 30,000। चलो ये था इविल हॉर्न्स। अभी थोड़ा फिर से अपना हेल्थ चेक कर लो, उसके बाद करती है अटैक। और सिर्फ 21,000 ताकि मेरा 3 मिलियन रिवॉर्ड्स कंप्लीट हो, तो वो मैं करूँगा नेक्स्ट एपिसोड में। इधर इस एपिसोड को इधर पे ख़त्म करते हैं। ये था 134 नंबर एपिसोड। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।